बच्चों वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव करे, या आप यूँ कह दीजिए कि देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, तो उनकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है वहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक होगा। नाउ यू नो दैट काइनेटिक दो तरह से होता था, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, है ना। काइनेटिक तो एक कॉमन नेम है, जो मोशन होगा या तो स्लाइड कर रही होगी बॉडी या रोल कर रही होगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी देन फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड इन द सेम वे व्हेन अ बॉडी रोल्स एज इट इज बिल्कुल लिखो ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस बॉडी। अब पोज ऑफ बॉडी फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे व्हील मैंने दिखाया, क्योंकि जो बॉडी रोल करेगी उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, जैसे मार्कर है ना पेन है, तो इसको देख रहे थे ये रोल करेगी, ये कर रही रोल, है ना। तो क्रॉस सेक्शन यानी इसका सर्कुलर है, इसको देख रहा हूँ तो ये सर्कुलर आ रहा है, तो वो सर्कल मैंने बनाया। ये कहते हैं जब कोई जैसे व्हील है वो किसी सरफेस पर रोल कर रहा है, तो क्या होगा, जीचे नीचे वाली सरफेस है वो थोड़ा सा डिप्रेस होगी, कितना होगी डिपेंड करेगा सरफेस पर, डिपेंड करेगा जो व्हील है उसमें एयर की पोजिशन पर। उस डिप्रेशन की वजह से क्या होगा कि ये हल्का सा माउंट बन जाएगा, है ना। तो अब इस व्हील को जब आगे बढ़ेगा तो इस माउंट को क्रॉस करना पड़ेगा, और इसको क्रॉस करने के लिए ऑब्वियस है इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये फ्रिक्शन हो गया रोलिंग। उसके अलावा रोलिंग फ्रिक्शन का एक कारण और है कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है व्हील की और नीचे वाली सरफेस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी तो होता होगा। तो जब भी व्हील आगे बढ़ेगा तो ये वाले सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हील के वो आगे बढ़ेंगे, तो नीचे वाली सरफेस के मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींचते होंगे। यानी वही वापस जो फ्रिक्शन की थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी, सेम वही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही व्हील आगे बढ़ेगा तो व्हील के मॉलिक्यूल्स को नीचे वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे खींचते होंगे, तो वो भी रोलिंग फ्रिक्शन का कारण। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है ना, रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। इसीलिए जो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गैस का सिलेंडर है, वुडन लॉग्स हैं, इनको जब हम कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करते हैं तो स्लाइड करने की बजाय हम उनको रोल कराते हैं, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन कम आता है, ठीक है। इसी के बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक है, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, यानी इविल भी है बट नेसेसिटी भी है। तो आप देखो ना, जैसे हम लोग किसी सरफेस पर चल रहे हैं तो जो शूज़ या हमने है ना स्लीपर डाले हुए हैं उसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी हम चल पा रहे हैं। नया शू हम लाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं तो उसमें थ्रेडिंग होती है, यानी उसमें कट के निशान बने होते हैं, आप देखते हैं, तो वो किस लिए होते हैं। ऐसे टायर है कोई, उसमें भी ऐसे होगा, उससे क्या होगा कि टायर और सड़क के बीच में या शूज़ और सड़क के बीच में सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा और वो ईजिली ग्रिप बना सकेंगे ताकि हम आराम से चल सकें, ओके। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं बोर्ड पर या कॉपी पर, तो अगर वो कहीं से कॉपी या बोर्ड पर ऑयल गिर जाए, स्मूथ हो जाए, तो आप लिखोगे लिखा ही नहीं जाएगा, यानी जो लिख पा रहे हैं इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जहाँ पर हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है, मशीन के पार्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, वो तभी कर पा रहे हैं जब उनके बीच फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लाइड करने लगेगा। लेकिन साथ साथ वो एबल भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टायर होते हैं, जो शूज़ वगैरह हैं, इस तरह से ये कुछ समय बाद फट जाते हैं, घिस जाते हैं, वियर एंड टियर, व्हाट इज सो है ना, मशीन के पार्ट्स हैं थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन के बिना ये पॉसिबल भी नहीं था कि हम मशीन को चला पाते, इसलिए इसको नाम दिया नेसेसरी इविल, ठीक है। एक टर्म यहाँ सिखा रहे हैं, हालांकि पहले डिस्कशन हो चुका था सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में, कि यू नो दैट कि कोई जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है, उसको आपने नाम दिया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो वहीं से एक बात आई कि बिकॉज देर इज एन एक्सेलरेशन द मोशन ऑफ द बॉडी, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर वर्ड ना यूज़ करके आप कर्व पाथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट सर्किल हो, है ना। तो उस फोर्स को नाम देके सेंट्रीपेटल फोर्स, डन। फार्मूला आपको मालूम है, मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और उसके दो फार्मूले थे वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेंट्रीपेटल फोर्स एक्चुअल में कहाँ से आया, क्या केवल यही सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है, तो फार्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स है कि ये फार्मूला बन गया। एक्चुअल में तो कोई भी फोर्स जो भी सेंटर की तरफ लगेगा कर्व पाथ के,
उसी को हम सेंट्रिपिटल कह देते हैं। जैसे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना, पाथ उनका इलिप्टिकल है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि सर्कुलर वर्ड ना याद करके आप कर्व पाथ बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उस केस में आप नोटिस करोगे जो सन की ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सन होगी, यानी टूवर्ड्स सेंटर होगी, और उसी ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट घूम रहे हैं। तो यानी वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा इट बिहेव्स एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, यस वही सेंट्रिपिटल है। इन द सेम वे सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, अगर वो हटा लें तो अपने ऑर्बिट को छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो यू नो दैट न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए होगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है यही सेंट्रिपिटल फोर्स है। तो अगर आप सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में जानना चाहोगे तो बहुत सारे व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स ऑन अ कर्व पाथ देन द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स अ सेंटर ड्यू टू विच इट मूव्स नेम्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। ये तो फॉर्मूला है बच्चों उसका। इन द सेम वे जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में बांध दिया और इस एंड से पकड़ कर आप उसे घुमा रहे हैं, तो जब घुमाएंगे तो आप स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ये रहा वो खिंचाओ जिसको कहते थे आप टेंशन। तो इस टेंशन की डायरेक्शन क्योंकि सेंटर की तरफ जा रही है सेंट्रिपिटल फोर्स होगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन ये बना दें अगर आपको कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.4 केजी रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एट अ रेट ऑफ 1200/rps फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ तो ठीक है, हम पहले मास लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। अब वो कह रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में वो सारे कनेक्टेड बॉडीज वाले टेंशन जो हमने करके आ रहे हैं हम उसे करने बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इक्वेशन वन के शायद टेंशन निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन को तो पढ़ो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा और फिर टेंशन पूछ रहा है, तो यू विल से दैट कि सर उसमें तो टेंशन जो होगा इट इज़ इट बिहेव्स एज सेंटीमीटर फोर्स, तो मुझे सेंटीमीटर फोर्स निकाल देना होगा तो शायद टेंशन की वैल्यू निकल आएगी इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए ये बातें सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और हम बिना बात वहाँ पर पजल होते रहें, परेशान होते रहें। ये लिखा मैंने देखो कि बिकॉज टेंशन इन द स्ट्रिंग बिहेव्स एज सेंटीमीटर फोर्स और उसका फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर ई एम वी स्क्वायर अपॉन आर एस को रखकर मैंने सॉल्व कर दिया। अब उसे भी फिर आगे क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिस वन इज रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस ए एट अ रेट ऑफ दिस वन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये द सेम वही क्वेश्चन हो गया, इफ स्ट्रिंग कैन बी विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड बाय विच इट कैन बी रिवॉल्व। तो पहला पार्ट तो वही आपने एम लिखा आर लिखा ओमेगा निकाल लिया और न्यू से और टी इज इक्वल टू करके 80 निकाल लिया, यानी अगर आप इस स्पीड से इस फ्रीक्वेंसी पर घुमाएंगे तो 80 न्यूटन का टेंशन आएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप देखते हैं कि जो मैक्सिमम टेंशन ले सकती है स्ट्रिंग 200 न्यूटन में, तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है ही। अब हमारे दिमाग में फिर कन्फ्यूजन आएगा सर टी का तो ये फार्मूला ही नहीं है, ये तो सेंटीपिटल फोर्स का है। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपको अगर इस दौरान जब वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रही है और टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन किसकी तरह से काम कर रहा है एज सेंटीपिटल फोर्स, तो वही तो मैं भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे एम वी स्क्वायर को ना लिखा। और मैं यहाँ टी मैक्सिमम लूँगा तो वी मैक्सिमम हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाना, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग सीखने जा रहे हो कि देखो जैसे हम लोग अपने शहर में हैं और बहुत सारे मोड़ आते हैं टर्न आते हैं तो उस पर हम अपने टू व्हीलर अपनी साइकिल ये सब घुमाते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, यानी सर्कुलर मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन लेवल रोड। लेवल का मतलब होता है देखो जैसे हिली एरियाज है वहाँ पर जो मोड़ होता है उसमें रोड थोड़ा सा बैंकड होती है ना, थोड़ा सा बैंक होती है, यानी हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर होती है। लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं प्लेन एरिया में इसमें रोड लेवल होती है, मोड़ पर वैसी होती है जैसे कि वैसे रोड है। इनका कहना ये होता है कि देखो जैसे ये व्हीकल है जा रहा है तो ये व्हील मैंने दो दिखाए हैं, जब ये मुड़ेगा तो मुड़ेगा तो ये जो व्हील है ना इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की होगी। जब ये मुड़ेगा ना यूँ मुड़ेगा, देखो ये चल रहा ना, ये चलते चलते यूँ मुड़ेगा, इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की है। तो जब दोनों टायर की टेंडेंसी इस तरफ जाने की है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, और अंदर की तरफ यानी ये सेंटर मैंने दिखाया स्टर्न का, टर्न ऐसे है ना, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है, और जब टूवर्ड सेंटर है तो ये प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो व्हेन अ व्हीकल गोज अराउंड इन अ सर्कल कर्व पाथ देन टेंडेंसी ऑफ टायर्स टू मूव आउटसाइड दैट इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ टर्न, सो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टर्न एंड हैंस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू विच व्हीकल्स गो अराउंड द टर्न। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इस टर्न पर इसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो
उसके लिए उसने मास एज्यूम किया एम, स्पीड ले ली वी, रेडियस आर ले ली टर्न की। तो जो सेंटीपेटल फोर्स हमें चाहिए वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमने इतनी स्पीड मेंटेन की हुई है। लेकिन कहाँ से आएगा ये? इट इज़ प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन, जिसको तुम न्यू एन कहते हो, न्यू एन जी। अब यहाँ सीखने की बात है बच्चों, ये वो है जो मुझे रिक्वायर है, और ये वो है जो कि सड़क और टायर के बीच में अवेलेबल है, मिलेगा मुझे यहीं से ये, यानी ये सोर्स हो गया और ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। तो आपको सीखना चाहिए कि सेफ टर्न के लिए क्या होगा, कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा ना जाए कभी, कारण है मिलना तो यहीं से है ना। तो अगर ये 40 न्यूटन है तो मुझे मुड़ने के लिए 40 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलना तो सड़क और टायर के बीच में। तो इसके सेफ टर्न के लिए क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी होगा। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल से कम हो या उसके ज़्यादा देख बोलो बस, ये सेफ टर्न की कंडीशन हो गई। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है बस। इससे मैंने भी निकाल दूँ तो मैं ये निकाल सकता हूँ टर्न पर मैक्सिमम स्पीड किसी व्हीकल की कितनी हो सकती है इस फॉर्मूले की हेल्प से।